पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी राज्यभर मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार सुरू केला असून या हिंसाचारात भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचे खून करण्यात आले. या राजकीय हिंसाचाराचा उत्तर रायगड जिल्हा भाजपच्या वतीने तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करण्यात आलाय. भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली पनवेलमध्ये पक्ष कार्यालयाजवळ कोरोना संदर्भातील नियम पाळून जोरदार निदर्शने करण्यात आली आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर त्या राज्यात सुडाचे राजकारण चालू आहे. ठिकठिकाणी भाजप कार्यकर्त्यांवर तृणमूल काँग्रेसचे गुंड हल्ले करीत आहेत. भाजपा कार्यकर्त्यांचे खून करणे, त्यांच्या घरांची जाळपोळ करणे, त्यांच्या दुकानांना किंवा व्यवसायाच्या ठिकाणाला आगी लावणे असे प्रकार घडत आहेत. ही लोकशाहीची हत्या आहे, त्यामुळे त्या निषेधार्थ भाजपच्या वतीने निदर्शने करण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे या आंदोलनात भाजप कार्यकर्त्यांसह नागरिकांनीही सहभाग घेऊन पश्चिम बंगालमधील हिंसाचाराचा व ममता बॅनर्जी सरकारचा निषेध नोंदवलाय. यावेळी भाजप कार्यकर्त्यांची हत्या करणाऱ्या ममता सरकारचा निषेध असो, ममता सरकार हाय हाय, लोकशाहीची हत्या करणाऱ्या ममता सरकारचा धिक्कार असो, बंद करा, बंद करा, दादागिरी बंद करा अशा गगनभेदी घोषणा देऊन तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त केलाय. या आंदोलनात भाजपचे पनवेल शहर अध्यक्ष जयंत पगडे, नगरसेवक मनोहर म्हात्रे, मुकित काझी, पंचायत समिती सदस्य भूपेंद्र पाटील, महिला मोर्चाच्या शहराध्यक्ष वर्षा नाईक, माजी नगरसेविका नीता माळी, युवा मोर्चाचे तालुका अध्यक्ष आनंद ढवळे, शहर अध्यक्ष रोहित जगताप, युवा नेते दिनेश खानवकर, अनेश ढवळे, शहर सरचिटणीस अमरीश मोकल, शिक्षक सेलचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष के सी पाटील, रवींद्र नाईक, स्नेहल खरे, प्रकाश खैरे, प्रीतम म्हात्रे, जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख भरत जुमलेदार, चंद्रकांत मंजुळे यांच्यासह नागरिक सहभागी झाले होते. या संदर्भात आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी आपली प्रतिक्रिया देत सांगितले की भाजप देशभरात लोकशाही पद्धतीने काम करीत आहे, त्याच अनुषंगाने निवडणुकाही लोकशाही पद्धतीने लढवतात. पश्चिम बंगालची निवडणूक संपल्यानंतर शांत मार्गाने कारभार होणे गरजेचे असताना तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांकडून भाजप कार्यकर्त्यांची सरासपणे हत्या करण्याचे प्रकार झालेत. त्यामुळे हिंसाचारातून ममता बॅनर्जी व त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांचे खरे रूप दाखवले. मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी राज्याला सांभाळण्याची गरज होती, मात्र तसे न करता अत्यंत चुकीचे राजकारण ममता सरकारने केले असल्याचे सांगत या हिंसाचाराचा निषेध केलाय. पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए और इस चुनाव में वहाँ की पूरी जनता ने तृणमूल कांग्रेस को वहाँ पे बहुमत दिया, लेकिन जब चुनाव चल रहे थे उस वक्त वहाँ पर जिस तरीके से माहौल बना हुआ था, ममता बनर्जी सभाओं में कहती थी कि चुनाव खत्म होने तक सेंट्रल की एजेंसी यहाँ पर है, चुनाव खत्म होने के बाद इनको कौन बचाएगा. और आज ममता बनर्जी ने अपनी वाणी खड़ी करके दिखाई है और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा आए दिन रोज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है. मैं समझता हूँ कि इस देश में लोकशाही जनतंत्र है, अनुशासन है, इसका पालन होना चाहिए. राज्य के मुख्यमंत्री के बतौर जिनके ऊपर जिम्मेवारी है, वो अगर अपनी जिम्मेवारी से भागेंगी तो मैं समझता हूँ कि लोकशाही की एक तरीके से ये हत्या होगी. भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने हक के लिए लड़े, अपने उम्मीदवार के लिए लड़े, अपने उम्मीदवार का प्रचार किया. लोकतंत्र में ये कोई गुनाह नहीं हो सकता और ऐसे कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या करने वालों को शासन मिलना चाहिए. मेरी गुजारिश है केंद्र सरकार से कि इसके ऊपर एक्शन ले. ममता बनर्जी जिन्होंने लोगों के सामने एक बेटी एक दीदी के स्वरूप में गई, आज उनके राज्य के किसी भाई की हत्या हो रही है और अगर वो चुपचाप बैठी रहेंगी देखती रहेंगी तमाशा तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आज ममता बनर्जी का जो पक्ष ले रहे हैं, जनतंत्र की बात जो कर रहे हैं, जनतंत्र के कानून के रखवालों के बारे में जो कहते हैं, ऐसे सारे लोगों ने ममता बनर्जी की निर्वचना करने में हमारा सहयोग देना चाहिए और जिन्होंने ये ऐसे खिलौने हरकत की है उनके खिलाफ गुनाह दाखिल होने चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए. इसके लिए पहल होने की आवश्यकता है. भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में अच्छा कानून लाने के पक्ष में काम करते रहे हैं, चाहे सत्ता में हो चाहे सत्ता में ना हो, पर
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसी दहशत से डरने वाला नहीं है। आने वाले समय में ऐसे हमलों का जनतंत्र के माध्यम से करारा जवाब हम लोग देंगे। जो जो हमारे पास रास्ते हैं कानून के हिसाब से, उन रास्तों का इस्तेमाल करके ममता बनर्जी की सरकार की ये जो दहशत वाली नीति है, इसका जवाब हम देके रहेंगे। आने वाले समय में ये हत्याएं, भाजपा के कार्यकर्ताओं की मारपीट अगर बंद नहीं हुई तो और बड़ा आंदोलन हमें छेड़ना पड़ेगा। कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमें अपनी बात को आपके सामने, जनता के सामने रखना था। आज हमारे साथ न सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता बल्कि ये हत्याएं जिन्हें पसंद नहीं, ऐसे लोग भी आज हमारे साथ में इस आंदोलन में शरीक हुए। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की होने वाली हत्याएं, उनके ऊपर होने वाले हमले बंद करने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करें। ममता बनर्जी आज मुख्यमंत्री बनी है पर वो सदा सर्वदा के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनी है। अगर ये रवैया उनका यही कायम रहा तो मैं समझता हूँ कि जनता जिन्होंने उनको वोट दिया उन्हें भी इसका अफसोस होगा। हम उनकी निर्भत्सना करते हैं, उनका धिक्कार करते हैं।